नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है और रिक्वेस्ट की कि सर ये देखिए वास्तु हिसाब से सही है क्या। उन्होंने जो प्लान बनाया वो इस तरीके से बिल्कुल प्लेन लाइनें डाल के बनाया है ये वाला, और ये क्रॉस लगाया है इन्होंने, तो इसके ऊपर ही हमने वर्क किया है। ये हमने ये कंप्यूटर पर इस पर लाइनें ज़रा मोटी कर दी ताकि आप लोग अच्छी तरह देख सकें। डायरेक्शन डायगोनल है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों जब 45 डिग्री पे नॉर्थ आएगा ऐसे स्थिति में जो है ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। विदिशा प्लॉट भी ऐसे में नॉर्थ ये हो जाएगा, ईस्ट ये हो जाएगा, ये वेस्ट और ये साउथ, ये करके इसका वास्तु करना होगा। अब इसके हिसाब से जब देखते हैं, अच्छा मेन रोड यहाँ पर है, इसके हिसाब से देखते हैं तो नैऋत्य का द्वार हो गया, फिर यम का द्वार होता है। तो विभिन्न प्रकार के इस परिवेश में रहने वालों को समस्याएँ देता है। इन्होंने इस कोने पर ये ओपन एरिया रखा है और इस कोने पर इन्होंने टॉयलेट बना और ये सेप्टिक टैंक है। जब यहाँ पर ऐसे टॉयलेट होता है भाई, बिल्डिंग यहाँ तक दिख रही है और ये ओपन दिख रहा है, जब यहाँ आता तो ऐसी स्थिति में ये वायव्य कोण का ढक्कन कहलाएगा। ये ढक्कन जो है ये आर्थिक स्थिति ख़राब करता है, दिवाला निकालता है, बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब करता है। और सेप्टिक टैंक जो यहाँ पर है मध्य पश्चिम में बन रहा है, वो क्या अभी पश्चिम दिशा हो गई। ऐसा जब सेप्टिक टैंक होता है, कोई नैऋत्य कोण में नहीं पश्चिम में है, पश्चिम में जब इस तरह टैंक रहेगा, किसी प्रकार गड्ढा रहता है तो वहाँ धार्मिकता ज़्यादा होती है, जुनून की हद तक होती है। अपनी समस्याओं के निदान के लिए आदमी धर्म का सहारा लेता है, पूजा पाठ उपवास रखना जो जो उसको अच्छा लगता हो करता रहता है। इस उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है, पर उसके पास आता है कि शायद इससे कोई लाभ होगा। जबकि उसको चाहिए तो वास्तु ठीक करें, ऐसे वास्तु दुष्करण इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। इन्होंने रास्ता रखा दक्षिण नैऋत्य घर में जा रहे हैं, ऊपर जाने का रास्ता यहाँ है, इस कमरे का भी नैऋत्य कोण का द्वार है इसका, यानी ये द्वार यहाँ होता है, ये द्वार यहाँ होता तो ज़्यादा अच्छा था। इस तरीके से ये इन्होंने अंदर जाने, फिर ये नैऋत्य से अंदर जा रहे हैं। ये घर एक्चुअली इस तरह बनना चाहिए था, ये सब चीज़ इधर बनती और ये हिस्सा ओपन, ये ओपन रखा है दो जगह इन्होंने, ये ओपन यहाँ आता, किचन भी नॉर्थ में आ जाता बहुत अच्छा होता। अभी साउथ का किचन है, अब साउथ का किचन घर के जो है मतलब मुखिया को जो है, घर में एक तो अशांति रहती है, मानसिक अशांति पूरे घर को रहती है, मुखिया को स्वास्थ्य थोड़ा का नरम गरम रहता है, ठीक है, और उसको गुस्सा भी ज़्यादा आता है। ये द्वार दक्षिण अग्नि का है, ठीक है, ये WC यहाँ संदा टेज डी, ये भी गलत, ठीक है। ये नैऋत्य का द्वार कर दिया इन्होंने, ये भी गलत है, ये द्वार ही आना चाहिए। पहली बात तो पूरा मकान उल्टा बनना चाहिए, यानी कि ये चीज़ें सब इधर और ये चीज़ें इधर आना चाहिए, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये ज़रूरत नहीं बनाने की, ये गलत करा। और सेफ्टी टैंक जब इधर होता सेफ्टी टैंक यहाँ के ही बना लेते तो समझदार, तो ये गलत है, ये गलत, सेफ्टी टैंक को यहाँ के ही बनाना चाहिए, इसको इस तरफ बनाना चाहिए। और ये जब ये खुला रह जाए इस तरह रहेगा ज़्यादा अच्छा होगा। और तो गलती तो पूरी यहीं पर है, यानी अब ये द्वार गलत है, ये ठीक है, और पूरा पलटेंगे तो ही सही बनेगा। ये तो यहाँ ऐसे घरों में इस तरह घर ये बन जाए भी तो निश्चित मानिए कि घर में हर तरह की समस्याएँ, यानी कि जीवन में संघर्ष ही संघर्ष, मानसिक शारीरिक आर्थिक, बस संघर्ष संघर्ष रहेगा ऐसे घर में। तो इनको मेरी सलाह है टॉयलेट नहीं बनाएं, सेफ्टी टैंक यहाँ के ही बनाएं और घर को पूरा पलटा दें तो घर ठीक हो जाएगा। और घर का फ्लोर लेवल बराबर रखें और समझदारी करें कि पीछे का 8-10 फीट खुला रखें या खुला रखें, और एक अंडरग्राउंड टैंक यहाँ बना दें क्या, ज़्यादा सेफ्टी टैंक यहाँ सेंटर में जो सेफ्टी टैंक यहाँ बना दें क्या, और कुछ खुला रखें ताकि घर में हवा पानी रोशनी आ सके। और वास्तु के साथ बहुत ज़रूरी है पूर्व दिशा खुला होना, बहुत अच्छा वास्तु हो जाता है, यानी वो 5-6 इंच नीचा हो जाए जगह और पूरा घर ऊपर बन जाए यहाँ तक, या वो नीचा है ये जगह जो जहाँ छोड़िए इसका यहाँ छोड़ना चाहिए तुमको, तो ये घर का वास्तु बहुत अच्छा हो जाता। मुझे उम्मीद है कि उन सज्जन को सलाह दूंगा, उनको इसका लिंक भेजूंगा वीडियो का, तो अपने घर में निश्चित परिवर्तन करेंगे, करना चाहिए मेरी राय में। आप भी ध्यान रखिए अपना घर बनाते वक्त इस तरीके से गलती ना करिए। वो अच्छा प्लाट है 85x21, बड़ा प्लाट है, अच्छा प्लाट है, क्योंकि मैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता हूँ उसके आगे तो बहुत छोटा है ये, पर आज जिस तरह के हालात जा रहे हो ज़मीनों की बहुत महंगी है क्या। अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने बनाया प्लान 13x35 पर मैं 4 मंजिला बिल्डिंग, मतलब 13 फिट बाय 35 फिट, और ठीक है कोई गलती नहीं है। मेरी किताब जो साइंटिफिक वास्तु से मैंने प्लान दिए हैं हर दिशा के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 10x20 का यदि आपका प्लाट हो, 10x20 का
तो उस पर वास्तुनुकूल घर किचन बाथरूम कैसे बन सकता है। तो ज़मीन बहुत महंगी है, प्लाट छोटे होते जा रहे हैं, पर हमें उसी में अपना घर ठीक करना है ताकि हम छोटे प्लाट से बड़े प्लाट के हो जा सके, बड़े मकान के हो जा सके और सुखद और सरल जीवन बिता सके। पर ऐसी गलतियां ना करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।